बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली सीजनल वर्क परमिट और पाकिस्तानियों के जो नोला उस्ता हैं उनकी जो भी लेटेस्ट अपडेट है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। जी तो दोस्तों, इटली सीजनल नॉन सीजनल नोला उस्ता की बात करते हैं। अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया है तो आपको मालूम ही होगा कि लास्ट मंथ अक्टूबर के महीने से मैं कह रहा हूं कि अक्टूबर का महीना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अगर तो उस महीने के अंदर अंदर आपका नोला उस्ता निकल आया है, वेल एंड गुड, आप काफी ज्यादा लकी पर्सन हैं। आप नोला उस्ता इटली से मंगवा कर एम्बेसी में जमा करवा कर वीजा लेके आसानी से इटली जाकर सीजनल वर्क परमिट के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अभी तक नहीं निकला, जिन दोस्तों का अभी तक नहीं निकला, उनके लिए टेंशन की बात है। क्योंकि अब अगर आपका नोला उस्ता निकलता भी है सीजनल, तब भी आपको काफी ज्यादा वेट करना होगा वीजा लेने के लिए। उसका रीजन ये है कि इटली में जितना भी काम है खेती बाड़ी का, सीजनल जो काम है वो सीजनल गर्मियों में होता है। तो अब ऑलमोस्ट सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं जिसकी वजह से जितने भी सीजनल काम हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आई थिंक सीजनल वीजा अब आपको ना मिले। ये को कंफर्म नहीं है कि सीजनल वीजा सीजनल में ही इशू किया जाता है। हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक आपको वीजा मिल जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल है। तो अभी तक जितने भी दोस्त हैं जिनका सीजनल या फिर नॉन सीजनल नोला उस्ता निकला है वो तो जा सकते हैं, जिनका अभी तक नहीं निकलता या फिर अब निकलता है उन्हें काफी ज्यादा वेट करना होगा। तो इटली के रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।